रही हूँ कढ़ी। ये जीरा लिया, मेथी दाना, अजवाइन, साबुत लाल मिर्च, करी पत्ता, ये राई, हींग, ये प्याज कटी हुई बारीक, ये लंबी कटी हुई प्याज, ये हरी मिर्च और ये लहसुन। लहसुन को अब मैं कूट लेती हूँ इसमें। और ये बेसन पकौड़े बनाने के लिए, ये सारे मसाले जो मैं यूज करूँगी। ये बेसन में मैंने आधा चम्मच धनिया, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, ये नमक, ये थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी कटी हुई प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च। इसको मैं पेस्ट बना लूँगी पकौड़ी के लिए। और इसको रख दूंगी मैं कम से कम आधी घंटा ताकि ये सॉफ्ट बने। ये मैंने एक जग लस्सी ली और इसमें मैंने ये एक कड़छी भर के बेसन डाल दिया और इसे मैं घुमा दूंगी। ये मैंने पतीला चढ़ा दिया, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया और ऑयल गर्म होने पे मैं जो मसाला निकाल के रखा था ये सब ये डाल दूंगी। और ये लाल मिर्च, इनको थोड़ा भूनने दूंगी अच्छे से। फिर ये प्याज और हरी मिर्च। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और फीडबैक ज़रूर दें आपको ये कढ़ी पकौड़ा कैसी लगी। अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च मैं थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च डली हुई है, और ये धनिया पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक, ये थोड़ा सा गरम मसाला। इनको मैं भून लूंगी अच्छे से। ये मसाला भून चुका, अब मैं इसमें लस्सी डाल दूंगी जब बेसन गली हुई है। इसको मैं अच्छे से सिझा लूंगी चलाते हुए ताकि फटे ना। कढ़ी को जितना उबालोगे उतनी टेस्टी बनेगी। अब मैं इसको काफ़ी उबाल दूंगी और चलाते हुए ही उबालूंगी। देखो कढ़ी में अच्छे से उबाल आ गया। अब मैं इसको थोड़ी देर सिम आंच पर रख दूंगी
अब चलाने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में चलाती रहूँगी क्योंकि ये पक चुकी। खूब अच्छे से उबाल आ चुका है इसमें। चलिए अब पकौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। जो मैंने बेसन का पेस्ट बनाकर रखा था वो काफ़ी टाइम से सेट हो गया। अब इसमें मैं एक चम्मच ऑयल डाल लूँगी ताकि पकौड़ी सॉफ्ट बने, और इस ऑयल को भी अच्छे से मिला लूँगी। और उधर मैंने कढ़ाई पे सरसों का तेल गरम होने के लिए रख दिया। ये गरम हो चुका, मैं हाथ से ही पकौड़ियाँ उतार रही हूँ। आँच को थोड़ा कम ही रखें, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगी, बीच में कच्ची रह जाएगी। आराम से पेशेंस से धीरे धीरे इसको पकने दे। अभी इसको एक साइड घुमा दें और दोनों साइड मैंने इसको पका लिया अच्छे से। इनको सीधा कढ़ी में डाल दूँगी। कढ़ी गर्म है और ये सॉफ्ट हो जाएगी इस गर्म कढ़ी में। बाकी बची हुई पकौड़ी भी तल लूँगी। अब ये मैंने फ्राई पैन लिया, अब मैं लहसुन का छोक लगाऊंगी। इसमें मैंने थोड़ा ऑयल डाला और उसमें जीरा और हींग डाल दिया, और जो लहसुन मैंने कूट कर रखा था वो भी डाल दिया, और जो लंबे लंबे प्याज रखे थे एक्स्ट्रा काट के वो इसमें डाल दूंगी। इनको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, थोड़े कढ़ी में कच्चे कच्चे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ये लंबे प्याज अलग से काटे थे। बस थोड़ा सा कच्चापन दूर करूँगी, ब्राउन नहीं करूँगी इनको। ऐसे ही रखूँगी जैसे ही है। अब इसमें कढ़ी में डाल दूँगी। कढ़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई। चलिए अब इनको सर्व कर लेती हूँ बाउल में। ये मैंने बाउल में सर्व कर ली और ऊपर से मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी। आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया।